बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू GBSN लेक्चर फॉर नर्सेज। डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मेनिनजाइटिस के बारे में। सबसे पहले हमें नॉर्मली पता हो कि मेनिनजाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज। अब मेनिंजीज क्या है? मेनिंजीज ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के प्रोटेक्टिंग कवर होते हैं, जो इस पिक्चर के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, जो सबसे इंटरनल होते हैं, इनर मोस्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं फीया मेटर। उसके बाद एरेक्नॉइड मीटर और द मोस्ट आउटर मेनिंजीज इज कॉल्ड ड्यूरा मीटर। डिफिनीशन पे चलते हैं मेनिंजाइटिस की। मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। जब इस मेनिंजीज के अंदर, चाहे वो फीया मीटर हो, ड्यूरा मीटर हो या एरेक्नॉइड मीटर हो, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है इस प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन या कवरिंग के अंदर, तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन ऑफ द फ्लूइड सराउंडेड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड यूजुअली कॉज द स्वेलिंग। इसके जो मोस्ट कॉमन काज है वो आइदर वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि नियर बाय फ्लूइड के अंदर जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होते हैं उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं और वो इस प्रोटेक्टिंग लेयर तक पहुँच जाती है। However, injury, cancer, certain drugs and other types of infection also can cause meningitis. इस वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अलावा इंजरीज, कैंसर, कुछ मेडिसिन और दूसरे टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, फॉर एग्जाम्पल फंगल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन कैन ऑल्सो कॉज मेनिंजाइटिस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द स्पेसिफिक काज ऑफ मेनिंजाइटिस। ये हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है कि मेनिंजाइटिस की स्पेसिफिक काज क्या है, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट डिपेंड कर रही होती है काज के ऊपर। फॉर एग्जांपल वायरल मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट अलग है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अलग है, और पैरासाइटिक या फंगल या अगर ड्रग इंड्यूस्ड मेनिंजाइटिस है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। तो ये मस्ट होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि हमें काज का पता हो, अंडरलाइंग काज ऑफ मेनिंजाइटिस। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, मेनिंजाइटिस इज यूजुअली कॉज्ड बाय वायरस और बैक्टीरिया। मोस्ट कॉमन काज है या टाइप्स है मेनिंजाइटिस के, वो वायरस मेनिंजाइटिस है एंड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। मोस्ट कॉमन टाइप्स की अगर हम बात करते हैं वायरल मेनिंजाइटिस की, तो वो फॉलोड बाय बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। रेयर टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस इंक्लूड केमिकल एंड फंगल मेनिंजाइटिस, यानी सबसे जो ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो वायरल मेनिंजाइटिस होते हैं और उसको फॉलोड बाई बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। इसके अलावा जो बहुत कम केसेस आते हैं वो केमिकल और फंगल मेनिंजाइटिस के होते हैं, जो बहुत रेयरली पेशेंट आते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस आर मेनिन्जियोकोकल, नीमोकोकल, ट्यूबरकुलोसिस यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल एंड एस्केरिया कोलाई। अब अगर हम जरासीम की बात करते हैं यानी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात करते हैं, तो मोस्ट कॉमन पैथोजन या कॉजेटिव एजेंट विच कॉज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इन मेनिन्जियोकोकल, नीमोकोकल, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई एंड एस्केरिया कोलाई। दीज आर द पैथोजन विच कॉज मेनिंजाइटिस, which cause inflammation and swelling in the protecting layer of the brain and spinal cord, which is simply called meningitis. Because the causative agent, the underlying pathogen is bacteria in nature, so we simply specify the meningitis is bacterial meningitis. Ab bacterial meningitis ke effects ke agar hum baat karte hain, तो मेनिंजाइटिस रिक्वायर अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट। जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होते हैं ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है इसके लिए। सम बैक्टीरिया दे कॉज मेनिंजाइटिस कैन आल्सो कॉज सिप्टीसीमिया, ब्लड पॉइजनिंग। मींस के कुछ जरासीम, कुछ पैथोजन, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि मेनिंजाइटिस काज करते हैं, वो सिप्टीसीमिया भी काज करते हैं, यानी ब्लड के अंदर जरासीम के फैलना यानी ब्लड पॉइजनिंग भी काज करते हैं। There are many different bacteria that can cause meningitis. The most common are बहुत सारे जरासीम पैथोजन बैक्टीरिया हमारे पास मौजूद है जो कि meningitis cause कर सकते हैं, और especially bacterial meningitis the most common उसके अंदर है meningococcal bacteria, pneumococcal, mycobacterium tuberculosis, और इसके अलावा हम Escherichia coli की भी बात करते हैं, तो Escherichia या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ये मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है जो कि bacterial meningitis cause। अब बात करते हैं वायरल मेनिंजाइटिस के। थाउजेंड ऑफ केसेस अकर एवरी ईयर, एनी वन कैन गेट वायरल मेनिंजाइटिस, बट इट इज़ मोस्ट कॉमन इन बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन। हज़ारों केस आते हैं पर ईयर। इसके अलावा वायरल मेनिंजाइटिस ज़्यादातर बच्चों के अंदर और यंग चिल्ड्रन के अंदर ये केसेस आते हैं, लेकिन ये किसी को भी हो सकते हैं।
इसके अलावा वायरल मेनिनजाइटिस सिम्टम कैन बी सिमिलर टू दोज ऑफ बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस। अगर हम सिम्टम की बात करते हैं तो सिम्टम तकरीबन सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं वायरस और बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस के। मेनी डिफरेंट वायरस कैन काज मेनिनजाइटिस, बहुत सारे वायरस है जो कि बैक्टीरियल वायरल मेनिनजाइटिस काज करते हैं, जिसके अंदर एंटेरो वायरस द मोस्ट कॉमन काज है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर मोस्ट केसेज ऑफ वायरल मेनिनजाइटिस, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। आफ्टर इफेक्ट कैन इंक्लूड हेडेक, एग्जॉशन एंड मेमोरी लॉस, जैसे वायरल मेनिनजाइटिस हो जाते हैं तो पेशेंट के अंदर सिम्टम डेवलप हो जाते हैं, हेडेक, एग्जॉशन एंड मेमोरी लॉस। अब बात करते हैं अनदर टाइप्स की, जिसको हम कहते हैं फंगल मेनिनजाइटिस। फंगल मेनिनजाइटिस के लिए मल्टीपल रिस्क फैक्टर मौजूद होते हैं, मल्टीपल रिस्क फैक्टर मौजूद होते हैं। पेशेंट ज़्यादा प्रोन, ज़्यादा वल्नरेबल होता है टू डेवलप फंगल मेनिनजाइटिस। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इम्यून सप्रेशन मेडिसिन की, या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, या जो एचआईवी जो एड्स वाले पेशेंट होते हैं उनके ऑलरेडी मेमोरी ख़राब हो जाती है, या जो एज के साथ मेमोरी लॉस हो जाती है, इम्यूनिटी एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ इम्यूनिटी एसोसिएटेड विद एजिंग, तो वो लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, तो उनको कोई भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो उनको पंगजाई की वजह से मेनिनजाइटिस भी आसानी से हो सकता है। इट इज़ अनकॉमन इन दोज विद नॉर्मल इम्यून सिस्टम बट हैज़ अकर्ड विद मेडिकेशन कंटामिनेशन। इसके अलावा ये बहुत कॉमन हो अनकॉमन होते हैं नॉर्मल इम्यून सिस्टम के अंदर, लेकिन अगर हम मेडिकेशन कंटामिनेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इम्यून सप्रेशन ड्रग्स ले रहे होते तो हम इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहे थे, तो उस केस के अंदर हम रिस्क पे हो जाते हैं टू फंगल मेनिनजाइटिस। सिम्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो सिम्टम होते हैं वो ग्रेजुअली डेवलप होते हैं, विद हेडेक, फीवर बीइंग प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट अ कपल ऑफ वीक्स बिफोर डायग्नोसिंग। मींस ये जब तक ये डायग्नोज होता है फंगल मेनिनजाइटिस, उससे पहले कई हफ्तों तक पेशेंट को हेडेक और बुखार रहता है। मोस्ट कॉमन फंगल मेनिनजाइटिस की अगर हम बात करते हैं कि कौन सा फंगल जाइए या फंगस है जो कि फंगल मेनिनजाइटिस काज करते हैं, तो वो है क्रिप्टोकोकल मेनिनजाइटिस ड्यू टू क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मिन, यानी क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मिन इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ फंगल मेनिनजाइटिस। अफ्रीका के अगर अंदर हम बात करते हैं तो क्रिप्टोकोकल मेनिनजाइटिस मोस्ट कॉमन काज होते हैं मेनिनजाइटिस के अंदर, और मल्टीपल स्टडी के अंदर ये बात कर दी गई है एंड इट अकाउंट फॉर 20-25% ऑफ एड्स रिलेटेड डेथ इन अफ्रीका। जिन लोगों को एड्स होता है तो वो 20-25% जो उनकी डेथ होती है वो क्रिप्टोकोकल मेनिनजाइटिस की वजह से होती है, या क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मिन इन्फेक्शन या स्पंजाई की इन्फेक्शन से हो जाती है। अदर लेस कॉमन फंगल पैथोजन, अगर हम दूसरे पंजाई की बात करते हैं जो लेस कॉमन काज है लेकिन फंगल मेनिनजाइटिस काज करते हैं, उसके अंदर हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम ब्लास्टोमाइस डर्मेटाइटिस एंड कैंडिडी स्पीशीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो भी फंगल मेनिनजाइटिस काज कर। नॉन इन्फेक्शन मेनिनजाइटिस की अगर हम बात करते हैं जिसके अंदर इन्फेक्शन एजेंट ना हो, में अकर इज़ द रिजल्ट ऑफ सेवरल नॉन इन्फेक्शन कॉजेज, फॉर एग्जाम्पल स्प्रीड ऑफ कैंसर टू द मेनिंजीज, मेलिग्नेंट और न्यूप्लास्टिक मेनिनजाइटिस। अगर ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल कैंसर हो और कैंसर मेनिंजीज के लेयर तक पहुँच जाए तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉन इन्फेक्शन मेनिनजाइटिस। इसके अलावा सर्टेन ड्रग्स, फॉर एग्जाम्पल नॉन स्टेराइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं इंट्रावीनसली अमाइनोग्लोबुलिन जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो वो क्या काज करते हैं, मेनिनजाइटिस काज करते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई पैथोजन, कोई जरासीम या कोई इन्फेक्शन नहीं होते, तो हम सिंपली इसको कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड नॉन इन्फेक्शन मेनिनजाइटिस। इट मे आल्सो बी कॉज बाय सीवियर सेवरल इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, अगर बहुत सारे पूरी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो, यानी जनरलाइज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो बॉडी के अंदर, तो उस केस के अंदर भी पेशेंट डेवलप कर जाता है नॉन इन्फेक्शन मेनिनजाइटिस, सच एज सार्कोइडियोसिस व्हिच इज देन कॉल्ड न्यूरोसार्कोइडियोसिस, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स सच एज सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटस, सर्टेन फॉर्म ऑफ वैस्कुलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द ब्लड वेसल वॉल सच एज बेजकेट डिजीज। तो ये वो कंडीशन है जैसे सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटस है, उसके अंदर भी सिस्टेमिक या हम कहते हैं कि पूरी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाते हैं। वैस्कुलाइटिस की अगर हम बात करते हैं तो वेसल के इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इसके अलावा जो सार्कोइडियासिस है या स्पेशली नेरो सार्कोइडियासिस, तो उसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चल रहा होता है, तो वो भी काज कर रहे होते हैं नॉन इन्फेक्शन। काजेज की अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया, ब्लड के अंदर बैक्टीरिया की प्रेजेंस ड्यू टू नमोनिया, एम्पायमा, ऑस्टियोमाइलाइटिस और इंडोकार्डाइटिस,
नमूनिया के कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस काज कर सकते हैं। इसके अलावा एम्फाइमा फर्स्ट फॉर्मेशन इन लंग्स, इसके अलावा ओस्टियोमाइलाइटिस मीन के इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन एंड बोन मैरो, और इसके अलावा इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिंपल एंडोकार्डाइटिस। उस जगह से या इस वाले एरिया के अंदर यानी लंग्स बोन्स और हार्ट के अंदर से अगर जरासीम ब्लड के अंदर दाखिल हो गया, एनी हाउ ये पहुँच जाता है प्रोटेक्टिंग कवर तक और वहाँ पे बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस काज करते हैं। अदर इन्फेक्शन सच एज साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, इंसेफेलाइटिस एंड माइलाइटिस। अगर ओटाइटिस मीडिया हो, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिड ब्रेन, साइनस के इन्फ्लेमेशन हो, इसके अलावा माइलाइटिस हो या इंसेफेलाइटिस हो के ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो वो पहुँच जाती है, वो जरासीम पहुँच जाती है जो अंडरलाइंग काज होती है, वो भी प्रोटेक्टिंग लेयर को डैमेज कर रही होती। अब ब्रेन एक्सिस की अगर हम बात करें, यूजुअली काज बाई निजीरिया मेनिनजाइटिस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया आर एस्केरिया कोलाई, दीज आर द पैथोजन बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विद काज बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस। हेड इंजरी सच स्कल फ्रैक्चर, पेनिट्रेटिंग हेड वुंड और नेरो सर्जरी, तो हेड इंजरी, इसके अलावा स्कल के फ्रैक्चर या अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या कोई नेरो सर्जरी हो तो वो भी काज करते हैं मेनिनजाइटिस। वायरस आर अदर ऑर्गेनिज्म एसेप्टिक मेनिनजाइटिस, और वायरस या जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको सम टाइम हम नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड एसेप्टिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो इनिशियली फीवर, चिल्स, जनरलाइज वीकनेस, सीजर, डिलीरियम, डीप स्टोपर, और इसके अलावा कोमा, हेडेक, वोमिटिंग, साइन ऑफ मेनिनजल इरिटेशन सच एज नकल रिजिडिटी, पॉजिटिव ब्रोंजिनकियन कर्निंग साइन, एग्जैग्रेटेड एंड सिमेट्रिकल डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस आर ऑपोस्टो टोन्स। अब अगर हम बात करते हैं इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्योंकि हमें पता है कि इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, तो इन्फेक्शन के अंदर जो मोस्ट कॉमनली जो सिम्टम होते हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं कि मींस के पेशेंट को बुखार हो रहा होता है, इसके अलावा हेडेक, वोमिटिंग, और इसके अलावा अगर हम ओपोस्टोटोन्स की बात करते हैं तो इसको सिंपली हम कहते हैं कि स्पासम ऑफ मसल काजिंग बैकवर्ड आर्चिंग ऑफ द हेड, नेक एंड स्पाइन इज इन सीवियर टेटनस, सम टाइम जो टेटनस के अंदर होता है ऐसे मसल अकड़ जाते हैं। कर्निंग साइन की बात करते हैं, कर्निंग साइन इज परफॉर्म विद द इंडिविजुअल लाइंग ऑन देयर बैक विद देयर हिप्स एंड नी बेंड, द क्लिनिकिशियन विल देन स्लोली अटेम्प्ट टू स्ट्रेटन द लेग, और पेशेंट को अगर उस पर दर्द होता है, द इफ पेन आर परसेंस इज फेल्ट द कर्निंग साइन इज सेड टू बी पॉजिटिव। ब्रुडजिन के साइन की अगर हम बात करते हैं तो सीवियर नेक स्टिफनेस का, अगर हम नेक को थोड़ा सा स्टिप करते हैं, अपवर्ड मोमेंट देते हैं, तो पेशेंट के जो हिप्स होते हैं उसके वो फ्लेक्स हो जाते हैं बैकवर्ड की तरफ, यानी हेड को अगर हम फ्लेक्स करते हैं तो उसके साथ उसके नेक को अगर हम फ्लेक्स करते हैं मींस के ऊपर की तरफ अगर हम पुश करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके हिप्स और नी जॉइंट भी फ्लेक्स हो जाती हैं। अब इसके अंदर देखिए कर्निंग साइन के अंदर पेशेंट को जब हम फ्लेक्सेशन दे रहे होते हैं तो उसको दर्द होता है, और ब्रुडजिन के साइन में देखिए कि हेड साइड को जैसे एलिवेट करते हैं तो लेग उसके साथ अपवर्ड मूवमेंट होती है मींस के लेग भी फ्लेक्सेशन की तरफ जा रही होती है और पेशेंट को दर्द होता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम टिपिकली CSF टेस्टिंग करते हैं और पॉजिटिव ब्रुडजिन की कर्निंग साइन को देखते हैं ताकि हमें एस्टेब्लिश डायग्नोज के मीन के हम मरीज़ को डायग्नोज कर दें। इसके अलावा CSF के प्रेशर को देख रहे होते हैं कि वो 6 से 18 तक नॉर्मल होते हैं, इससे हाई हो, इसके अलावा हाई प्रोटीन लेवल इन द CSF, इसके अलावा पॉसिबली लो ग्लूकोज लेवल, इसके अलावा अगर हम CSF की कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं कि आइडेंटिफाइज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, आइदर वायरस से हट के अगर कोई जरासीम है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, पंजाई या पैरासाइट है, द एक्सपर्ट ईवी टेस्ट आइडेंटिफाई द एंटेरो वायरस इन CSF। इसके अलावा हम एक्सपर्ट ईवी टेस्ट करते हैं, उसके अंदर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि एंटेरो वायरस सब के अंदर या नहीं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट इंक्लूड एंटीबायोटिक थेरेपी, हम एंटीबायोटिक देते हैं, वेगोरियस सपोर्टिव केयर देते हैं, यूजुअली द पेशेंट रिसीव IV एंटीबायोटिक फॉर 2 or more weeks फॉलो बाय ओरल एंटीबायोटिक्स। अदर प्रिस्क्राइब ड्रग्स में इंक्लूड, इसके अलावा अदर जो मेडिसिन हम देते हैं, डिजोक्सिन टू कंट्रोल एरिथमियाज, मैनिटोल टू डिक्रीज सेरेब्रल एडिमा, एंटी कन्वल्जन और सेडेटिव टू रिड्यूस रेस्टलेसनेस, इसके अलावा हम एसिटामिनोफेन टू रिलीव, ये मेडिसिन हम
सिम्टोमेटिकली या सपोर्टिव ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम सपोर्टिव मेजर इंक्लूड बेड रेस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा तो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, हम फ्यूड इनटेक सही रखते हैं। नेजल कल्चर अगर हम देते हैं वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसको आइसोलेशन में रखते हैं पेशेंट को। इसके अलावा अगर कोई इन्हीं को एग्जिस्टिंग कंडीशन है, कोई और बीमारी है पेशेंट को, फॉर एग्जाम्पल नमोनिया, COPD, एंडोकार्डाइटिस है, तो उसको भी ट्रीट करना चाहिए। साथ नर्सिंग असेसमेंट के अंदर अगर हम बात करते हैं, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन हम देखते हैं पेशेंट के। इसके अलावा स्पेशली टेम्परेचर अगर 102 फारेनहाइट से वो इंक्रीज हो जाते हैं या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर चेंजेस आ जाती है, अगर सीजर आ जाते हैं, इसके अलावा अगर रिस्पायरेशन अल्टर हो जाते हैं, इन सब चीज़ों के अंदर अगर कोई चेंजेस आ जाती है तो इट्स मीन के इट्स अ सिग्नल टू इम्पेंडिंग की तरफ जा रहे हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट अगर हम करते हैं तो हम फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा वाइटल साइन की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। प्रिवेंट पैरामीटर डिहाइड्रेशन के लिए हम कंज्यूम इन अ फ्लूइड पेशेंट को दे रहे होते हैं। इसके अलावा सेंट्रल वेनस प्रेशर को मेजर कर रहे होते हैं, इंटेक आउटपुट मॉनिटर कर रहे होते हैं, पेशेंट के जो ज्वाइंट स्टिफनेस है और नेक है उसके प्रॉपर पोजीशन देते हैं। इसके अलावा अगर उसको हम ऑफन अकॉर्डिंगली टू प्लान पोजिशन स्केजुअल हिप रेंज ऑफ मोशन मोमेंट के अंदर उसको एक्सरसाइज के अंदर कोई हेल्प चाहिए तो वो देनी है। इसके अलावा एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड एलिमिनेशन। इसके अलावा क्वाइट इन्वायरमेंट, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो डार्क रूम प्रोवाइड करना है ताकि फोटोफोबिया ना हो, क्योंकि निकल रिजिडिटी के अंदर समटाइम रोपोटोफोबिया होता है पेशेंट को। इसके अलावा हेडेक को रिलीफ करने के लिए हम नॉन ओपाइड एनाल्जेसिक दे सकते हैं, सच एज एसेटामिनोफेन इज अंडर ओपाइड इंटरफेरेंस विद एक्यूरेट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होती है। इसके अलावा अगर हम टेक्निक इन ट्रीटिंग द पेशेंट विद अ हेड वाउंड और स्कल फ्रैक्चर के साथ है तो उनके साथ हम स्टिक एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करेंगे। अगर पेशेंट को RTA की वजह से या किसी फ्रैक्चर की वजह से मेनिनजाइटिस हुआ है, रीअश्योरेंस या सपोर्ट देंगे। इसके अलावा पेशेंट और फैमिली, क्योंकि वो ज़्यादातर अगर CSF को निकाल रहे होते हैं, लंबर पंक्चर कर रहे होते हैं, तो वो ज़्यादातर घबराए हुए होते हैं, फेयर वरीनेस के शिकार होते हैं, तो उनकी वो फेयरेंस या जो डाउट है वो ख़त्म करवानी है। इसके अलावा रीअश्योर द फैमिली अगर उनकी कोई डिलीरियम कंडीशन के अंदर या बिहेवियर के अंदर कोई चेंजेस आ जाती है तो वो हमने उनकी चेंज करवानी है। इसके अलावा इवोल्वेट हमने करने हैं पेशेंट के प्रोग्रेस के, वो बेहतरी की तरफ जा रही है या नहीं, यानी अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर है, अब वो नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। पेशेंट एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन हम क्या देंगे कि हम पेशेंट को सिंपली टीच द पेशेंट इन हिज फैमिली अबाउट द इलनेस एंड एक्सपेक्टेड रिकवरी, द फैमिली में नीड टू रिसीव प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टीच द पेशेंट इन हिज फैमिली हाउ टू हेल्प प्रिवेंट मेनिनजाइटिस बाय सीकिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक साइनोसाइटिस और अदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।